औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मेडिकल के शोबा में जो हमारी सिस्टर्स, हमारी ख़वातीन जाना चाहती हैं, उनके लिए तकरीबन पूरा साल मुख्तलिफ मौक़े आते रहते हैं, दाखिले होते हैं, कभी MBBS में, कभी इससे भी जो आला तालीम है उसमें भी, कभी हमारी जो लाइट फील्ड्स हैं, डाइटिशन है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस तरह की नर्सिंग में दाखिले होते हैं। अभी जो बिल्कुल ये स्टार्ट हुए हैं LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स के जो दाखिले हैं, उनका आगाज़ हो चुका है। उसके लिए कुछ बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो शौक़ रखती हैं मेडिकल के शोबे में जाने का, LHV करना चाहती हैं, उनको एक तो टाइमली पता नहीं चलता कि जी दाखिले शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दाखिले शुरू हैं, कहाँ कहाँ शुरू हैं, यह भी बताता हूँ क्या तरीक़ाकार है। बाद में छोटी सी मिस्टेक से उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इस तरह बताऊँ कि आप जब अपनी एप्लीकेशन दें तो आपके फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो, और आगे फिर जो मेरिट बनता है वो तरीक़ाकार, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कोशिश करूँगा ये एक ही किस्त में हो जाए, क्योंकि इस पर अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं पूरी शेयर करूँ तो ये कुछ 2-3 वीडियोज़ बनती हैं। मेरी कोशिश है कि ये मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको बयान कर दूँ। अच्छा, पंजाब के जो 11 ज़िला हैं उसमें लेडी हेल्थ विजिटर के दाखिले शुरू हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये दाखिले शुरू हो, और वहाँ पे आपको मुतलका स्कूल से ये फॉर्म आसानी से मिल जाएंगे। 300 रुपये का ये एक आपको प्रस्पेक्टस मिलता है, उसके अंदर ये फॉर्म होता है, और ये दरख्वास्त उसी ओरिजिनल फॉर्म पर ही सबमिट कर सकते हैं। आप फ़ोटो कापी पर नहीं कर सकते, वो बाकायदा ओरिजिनल फॉर्म पर ही आप सबमिट करेंगे। तो ये 11 ज़िला हैं, लाहौर है, मुल्तान, ओकाड़ा, भावलपुर, सियालकोट, डेरा गाजी खान, भावल नगर, चकवाल, साहिवाल, अटक और जंग। इसके मुतलका जो बाकी जो ज़िला के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे लाहौर के साथ गुजरांवाला है, हाफजाबाद है, ननकाना साहब शेखुपुरा है, मुल्तान के साथ लोधरा मुजफ़रगढ़ है, ओकाड़ा के साथ कसूर भी है, बहावलपुर के साथ रहीम यार खां है, सियालकोट के साथ आप गुजरात मंडी बहाउद्दीन और नरोवाल है, इसके अलावा डेरा गाजी खां, राजनपुर और बकर लिया, इसके अलावा बहावल नगर में विहाड़ी और पाकपतन, चकवाल सरगोदा और मियाँ वाली हैं चकवाल में, इसके अलावा साहिवाल में जो खाने वाले हैं टोबा टेक सिंह भी है, अटक उसके साथ रावलपिंडी और जेहलम, जंग के साथ फैसलाबाद, खुशाब और चनेट हैं। तो ये हैं वो। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको तालीमी को जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और एज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 25/12/2021 को जो एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए, गैर शादीशुदा होना चाहिए LHV के दाखिले के लिए, और तालीम जो है बेसिक वो प्री मेडिकल हो, FSC, उसमें कम से कम 50% मार्क्स हों तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दाखिला भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, इसके अलावा आप आगे आ जाएं, अगर कोई बेवा है, तलाक याफ्ता है, जो ख़वातीन हैं उनकी उम्र 35 साल तक है, और उम्मीदवारान को उम्र की हद में मज़ीद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ये जो है तालीम उम्र लिखी हुई है, इससे आप कोई रद्दबदल नहीं होगा। मुजवजा कवानीन के मुताबिक ज़ाहिर बात है जो फील्ड में काम करना सवाले से माहवार वजीफ़ा दिया जाता है। इसमें एक गवर्नमेंट में जब आपका दाखला होगा, जो लड़कियां लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स के लिए अप्लाई करेंगी उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो ड्यूरिंग तालीम उनको एक ख़ास एक अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट उनको देती है, जो उनके अखराजात तालीमी होते हैं वो कोशिश करती है गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पे करती है, ताकि मोस्टली जो लड़कियां या ख़वातीन डिज़र्विंग होती हैं उनको कोशिश की जाती है कि अकोमोडेट किया जाए। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। अच्छा, ये 25/12 तक दफ्तरी औकात के लिए मुतलका आपका जो स्कूल है उसके अंदर एप्लीकेशन रिसीव होगी, और उसके बाद आपको जो 7 तालीमी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं वो ज़रूर याद रखें कि आपने एक तो तालीमी सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं FSC मैट्रिक के, जो इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी या बे फॉर्म की कॉपी साथ लगानी ज़रूरी होगी, और वो अटेस्टेड हो, लाजमी बात है, अटेस्टेड ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ख़ास तौर पे जो फ़ोटो कापी शनाख्ती कार्ड की है वो शनाख्ती कार्ड के महकमे से तस्दीक शुदा होगी,
और 17 या 18 ग्रेड की लेडी मेडिकल ऑफिसर से हासिल फिटनेस सर्टिफिकेट की मुसद्दका फोटोकॉपी भी मुंसलिक करनी है। बहुत सारे लोग इसकी उतनी अहमियत नहीं देते या वो लगाते नहीं, जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको नामुकम्मल सफ़र किया जाता है। लिहाजा कोशिश करें अपना फॉर्म आप कंप्लीट करके उसको सली करके किसी को चेक करवा के आप सबमिट कराएं, ताकि आपके इस बुनियाद पर रिजेक्ट ना हो कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो आपको आने जाने का TAD भी नहीं दिया जाएगा, जाहिर बात है वो एक इंटरव्यू की डेट जो मैं आपको बता देता हूँ उसमें जो आना जाना होगा उसमें वो लहदा से आपको कोई पे नहीं करेंगे। तो ये आप, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंटरव्यू हैं लाहौर में जो रीजन आता है उसमें 6-1 जनवरी, क्योंकि फरवरी 1 को क्लासें शुरू होनी है, तो ये इसी महीने के जनवरी के अंदर अंदर उन्होंने सारे इंटरव्यूज़ करने हैं। 6 को है ओकाड़ा का, 3 जनवरी को है, और जो भावलपुर है 7 जनवरी को है, साहिवाल का भी 6 तारीख को है जनवरी जो है, अटक का 18 को है और मुल्तान का 14 जनवरी को है, और सियालकोट के जो एरियाज़ हैं 11-1 है, चकवाल के 7-1 है, डेरा गाजी खान 17-1 है, बहावल नगर 21-1 और जंग के 13-1। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें, और ये इसके अलावा मैं बता दूँगी क्योंकि 1 फरवरी 2022 से क्लासें शुरू होनी हैं, मुंतखब जितने लोग हैं उनको हुकूमत के वजह करदा कवानीन के मुताबिक पाबंदी लाजमी होगी, वो डेफिनेटली जो कानून बने होते हैं उसकी हर बंदे को पासदारी करनी पड़ती है। तो ये लिस्टें जो हैं वो स्कूल जो आपका मुतलका होगा उस पर आवेदन कर दी जाएगी, और जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 5 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी फ़ीसें वगैरह जमा करा के ये तसली कर लेनी है कि आपके जो फ़ीसें जमा होगी उसकी रसीदें संभाल लें, ताकि जब आपको बाकायदा नोटिस आएगा तो आपको ज्वाइनिंग के वक्त वो चीज़ें काम आएंगी। तो ये बड़ी मुख्तसर सी मैंने कोशिश की है, अगर इसके अलावा किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं इसमें कोई तशंगी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।